सो कंग्रेचुलेशन, आपकी मूवी आने वाली है, तो आप अपने मूवी के बारे में थोड़ा बताइए, अक्षर टू के बारे में थोड़ा बताइए, या किस टाइप की मूवी होने वाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. माय नेम इज मोहित मदान और अक्षर इज अ सीक्वल ऑफ द फर्स्ट अक्षर टू. एंड द ओनली सिमिलैरिटी इन द फिल्म इज कि वो क्राइम या सस्पेंस जॉनरा का है. तो अक्षर टू इज अबाउट अ फ्यू कैरेक्टर्स एंड जो आजकल हर इंसान में, जो अक्सर आजकल ऐसा होता है, हर इंसान के अंदर एक सेल्फ मोटिव रहता है. तो दिस फिल्म इज़ जस्ट अबाउट दैट कि एक इंसान या एक कैरेक्टर किस हद तक जा सकता है पैसा या वेल्थ एक्वायर करने के लिए. तो दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट. सो किस टाइप का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं अक्सर टू में? Yeah, I'll not tell you too much about the character because then it gets very easy to predict the story. Yeah. But I'll tell you ki jitne bhi hum characters hain, we're all playing grey shade somewhere or the other. Kyunki har insaan ka kuch na kuch rehta hai, self-motive, like I said, ki apne liye wo kuch karna chahta hai. To yahi hai ki sab, main bhi paise ke liye shayad kuch na kuch kar raha hu. Koshish hai ki mujhe bhi mil jaye. So, जैसे कि आपने कहा कि आप एक ग्रे शेड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो कितना डिफिकल्टी हुई उस रोल को निभाने के लिए और कितना आपने प्रिपेयर किया उस रोल के लिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने कैरेक्टर चूज किया, जो मुझे मिला, सबसे पहली चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि मैं ये करूँगा, इट्स बिकॉज वन, इट्स अ चैलेंज. सेकेंड, चैलेंज इसलिए था क्योंकि मैं ऐसा हुई नहीं रियल लाइफ में, तो तभी उसको निभाने में और मज़ा आया. एंड 100% तो हर एक्टर को वैसे भी देना चाहिए. तो जो डिफ़िकल्टीज थी, जो मेरे को स्टार थे, जरीन खान या फिर गौतम रोड़े, अभिनव, उन सब ने एक दूसरे का सहारा दिया, हम सब ने एक दूसरे का सहारा दिया, सपोर्ट किया एक दूसरे को. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने डायरेक्टर मिस्टर आनंद महादेवन, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया हमको. तो एक्टिंग बिकेम लिटिल बिट ईजियर बिकॉज ऑफ हिम. आई विल नॉट से इट्स ईजी, बट इट बिकेम ईजियर विद हिज हेल्प. सो अक्षर टू में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा यूएसपी क्या होने वाला है? ये सबसे बड़ा यूएसपी आई थिंक द स्टोरी इटसेल्फ. एंड ऑब्वियसली म्यूजिक भी बहुत अच्छा है. एंड जो कहानी है वो ही उसकी यूएसपी होने वाली है, दैट्स व्हाट आई थिंक. एंड वी हैव वंडरफुल एक्टर्स, सब ने बहुत अच्छा काम किया है, वेदर इट्स एक्टिंग और या फिर डायरेक्शन टीम या प्रोडक्शन टीम, ऑल द टेक्नीशियंस हैव वर्क्ड हार्ड. एंड बहुत अच्छे से ये फिल्म बनाई गई है, तो लेट्स होप आपको पसंद आए सबको. सो अक्सर और अक्सर टू में क्या डिफरेंस होने वाला है, और क्या आपको लगता है कि ऑडियंस रिलेट करेंगी दोनों मूवी को? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों फिल्मों में, लेकिन सिमिलैरिटी सिर्फ यही है कि पहले वाली अक्सर में भी पैसा इन्वॉल्व था, अक्सर टू में भी पैसे की बात है. एंड जो अक्सर आजकल जैसा होता है, कहीं ना कहीं पे आप रिलेट कर पाओगे कि आपने ये शायद देखा होगा ऐसा कुछ, या फिर आपके किसी दोस्त ने ऐसा कुछ किया हो सकता है, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी कैरेक्टर के साथ रिलेट करने ही वाले हो. सो लाइक काफ़ी अच्छे आपके को स्टार्स हैं, काफ़ी फेमस को स्टार्स हैं, तो कितना मज़ा आया उनके साथ शूट करने में, और क्या इंस्पिरेशन आपने उनसे ली? जैसे आपने कहा कि काफ़ी कुछ सीखने मिला, तो क्या क्या सीखा और क्या इंस्पिरेशन और कितना मज़ा आया उनके साथ काम करने के लिए? जी मज़ा तो वैसे भी जब काम कोई करता है मज़ा लेना नहीं चाहिए, काम शुड बी सीरियसली टेकन. बट येस, जब ब्रेक होता है, यू शुड ऑलवेज कीप ह्यूमर ऑन सेट. कोई भी आप काम करो, आपको बैलेंस करना चाहिए. बहुत ज़्यादा सीरियस रहोगे लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. एंड लेकिन मेरे जितने भी को एक्टर्स थे, वेदर जरीन, गौतम, अभिनव एंड द अदर, श्रीशांत इज ऑल्सो देयर, मिस ललिया दुबे, सब ने एक दूसरे का साथ दिया है. एंड उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस एक्टर्स. तो फॉर मी मे बी आई एम न्यू टू दिस. So I get to learn a lot of things. I get to learn by watching them. I get to learn by sharing their experiences, sharing my experiences and getting some guidance or the other. And उसके बाद आपको खुद में भी सेल्फ बिलीफ रखना चाहिए कि आप वो कर सकते हो, आप करोगे. तो सेल्फ बिलीफ इज़ द की एंड परफॉर्म व्हेन यू हैव टू परफॉर्म. सो लाइक अक्सर टू में, जैसे आपने कहा, थ्रिलर मूवी है, बट आज मतलब बॉलीवुड में ज़्यादा थ्रिलर मूवी नहीं बनती है, और काफ़ी सीरियस टॉपिक, लव स्टोरी, ये सब ही चलता है. तो लाइक आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, आपका टेक क्या है कि क्यों लाइक बॉलीवुड में इतना थ्रिलर मूवी नहीं बनती है? एक्चुअली आई थिंक हर बॉलीवुड फिल्म में कहीं ना कहीं थ्रिलर तो है ही, सस्पेंस रहता ही है. तो जो मज़ा है वो तभी आएगा, आप ऑडियंस इज ऑलवेज इंटरेस्टेड कि क्या होने वाला है नेक्स्ट. तो क्या होने वाला है जब वो क्वेश्चन आता है, ऑटोमेटिकली इट्स लाइक नो थ्रिलर सस्पेंस. सो आई थिंक अपनी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में हैं भी जो बनती हैं, लेकिन शायद वो सिनेमा तक उतना एक्सपोजर मिल नहीं पाता है.
लेकिन धीरे धीरे ऐसा भी हो रहा है कि हर तरह की जॉनर की फिल्में आ रही हैं और आगे आएंगी। सो लाइक कब रिलीज होने वाली है अक्सर टू, और आप अपने जो भी फैंस हैं, अपने व्यूवर्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे अक्सर टू के बारे में? आई थिंक अक्सर टू शुड बी रिलीजिंग अराउंड मई और जून, तो अभी टेंटेटिवली यही है प्लान प्रोड्यूसर्स का, एंड जब डेट मिलेगी वो अनाउंस करेंगे, सो यू विल ऑल नो। एंड मैं तो यही कहूँगा कि सपोर्ट करो, आपको कहीं ना कहीं ये फिल्म में कुछ ना कुछ अपने से रिलेटेड मिलेगा, एंड यू विल ऑल लाइक इट, बिकॉज इसके अंदर कौन कहाँ तक जा सकता है, कौन सी लिमिट्स क्रॉस कर सकता है, वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। सो आई थिंक यू विल ऑल इन्जॉय द फिल्म, एंड कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ या किसी और की लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो याद आना ही चाहिए। तो लाइक ये तो ऑन कैमरा वाली बात होगी, लाइक आप काम के टाइम आप लोग को स्टार्स आप कितना एंजॉय करते हो, कुछ स्पेशल मेमोरीज अक्सर टू की जो आप फैंस को बताना चाहें? मेनी मेमोरीज एक्चुअली बहुत सारे हैं, बट वही है कि जब हम काम करते हैं फोकस रहते हैं, जैसे ही जब टेक के बीच में ब्रेक्स होते हैं या कुछ भी होता है, देन वी स्टार्ट हैविंग फन, वी स्टार लाफिंग, वी स्टार एंजॉयिंग। तो क्या होता है ना, ऐसे बैलेंस रहता है लाइफ में, यू बैलेंस योर वर्कलोड, सेट में माहौल जो होता है एक अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो सब लोग मिलके एक काम करते हैं एक यूनिट की तरह। कुछ एक जो फिल्म होती है दिखने में हमें बहुत अच्छा लगता है कि बहुत आसानी से बनी होगी, बहुत ईजी है, लेकिन वो बात बिल्कुल नहीं है। जब फिल्म बनाते हैं उसके अंदर बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो जब आप सेट पे आओगे, आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होगे, तब आपको पता चलता है कि एक फिल्म बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है। और हम लोग क्या होता है, जब मैं भी फिल्में देखता था पहले इंडस्ट्री में आने से पहले भी, बहुत ईजी होता था जज करना कि अच्छा ये अच्छी फिल्म है या नहीं है, या ये अच्छा नहीं है बुरा नहीं है। आई थिंक वी शुड नॉट जज, वी शुड जस्ट enjoy the cinema and appreciate the hard work put into it. Okay, apart from Aksar 2, koi aur movies jo aapke pipeline mein jo aane wali hai? I have finished ek film mein aur kar chuka hu. It's a character again entirely opposite to the Aksar character I played. So I'm experimenting with different characters, and there are two more films that I'm going to shoot for in May and June and July. एंड उसके बाद आई एम वेटिंग फॉर कपल मोर, टू मोर बिग फिल्म जिसकी अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है, वो जैसे होएगी तो तब मैं बात करूँगा उनके बारे में। सो बीइंग एन एक्टर कितना डिफिकल्ट होता है एक रोल से दूसरे रोल में स्विच करना, अपार्ट फ्रॉम योर ओन लाइक ओन बिहेवियर एंड एवरीथिंग, कितना डिफिकल्ट होता है एक रोल से दूसरे रोल में स्विच? आई थिंक बीइंग एन एक्टर इज पार्ट ऑफ योर जॉब एंड इट्स पार्ट ऑफ व्हाट एन एक्टर लिव्स। एक्टर का डेफिनेशन यही है, तो यू हैव टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड टू बी ऑनेस्ट हर इंसान के अंदर एक एक्टर होता है। आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, बिलीव इन योर सेल्फ। सेल्फ बिलीफ होगा तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी जाके परफॉर्म कर दोगे, एंड नॉट जस्ट एज एन एक्टर, एनीथिंग इन लाइफ, आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में, अपने ऊपर पूरा यकीन रखो कि यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट द बेस्ट वे, एंड आप अच्छा करोगे। सो इट डज बिकम फॉर एन एक्टर, वी आर वेरी सेंसिटिव पीपल, दिखता नहीं है कभी कभी, बट हम भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। We have to balance between different characters. We have to balance our real lives. But at the same time, I'm not complaining about it. It's a beautiful journey. Destination, सबको पता होता है। वो journey जो होती है ना वहाँ तक पहुँचने के लिए। Not just for an actor, for anybody in life, any individual watching this, make the journey count. So, yes, sir. No, go on, please. Okay. So lastly, we'll end up with this song. कि कैसे songs दिखने वाले हैं अक्सर टू में? अक्सर टू में वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट एंड ऑल द परफॉर्मेंसेज, ब्रिलियंट स्टोरी इज द म्यूज़िक। जो म्यूज़िक है वो बहुत अच्छा है, जैसे आपने अक्सर फर्स्ट वाली में आपको म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा था, उम्मीद है कि अक्सर टू में भी आपको म्यूज़िक बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ही अच्छे सॉन्ग्स है, रोमांटिक है, सैड है, सो ऑल दैट इज देयर। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी सर।